गाइज मैं टकला हो जाऊंगा। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज को पूरा करते हो तो जी हाँ गाइस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ गाइस। मैं अपने सर के सारे बाल कटा लूंगा अगर अभी आपको बताते हैं क्या अगर, फुट आवर जिस शुरू करते हैं। जी हाँ गाइज, ये एकदम सच है, बिल्कुल सही सुना है आपने। Okay. किसी ने कमेंट में बोला, अमित भाई आप अपने सर के सारे बाल कटा लो, टकले हो जाओ। कौन है ये पागल आदमी? मैंने सोचा यार आप लोग कह रहे हो तो हम तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा अगर आप वो चीज करते हो तो। भाई मैं अपने जो सर के बाल है वो कटा लूंगा। कभी भी अपने सर के सारे बाल नहीं कटाए हैं और मैंने खुद ने भी नहीं देखा अपने आप को बिना बालों के। बहुत अच्छा लगेगा। आप देख लो, ये देख लो भाई, मेरे पूरे सर में बाल हैं, अभी काटे नहीं है, बाल सही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काटने के बाद में वीडियो बना लूंगा। अगर हमारे चैनल क्रेजी एक्सवाईजी पे, जो कि आपका भी चैनल है, उसके ऊपर एक महीने में यानी कि 30 दिन में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं, तो सिर्फ 2 मिलियन की बात है भाई, अगर आप कर पाते हैं तो आप देख पाएंगे आपके भाई को बिना बालों के। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार मैं कैसा दिखूंगा। गाइस आप लोगों के लिए जो है मैं ये चीज कर रहा हूँ और मेरे सारे बाल गायब हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और मजा भी बाकी है, अगर इस वीडियो के ऊपर 2 मिलियन लाइक्स होते हैं तो हमारी टीम के किसी भी एक बंदे के बाल जो है वो मेरे साथ में फ्री में उड़ जाएंगे। ये भगवान क्या जुलूम है जो आप बताओगे, आपसे पूछ लेंगे वो। और अगर इस वीडियो के ऊपर 4 मिलियन लाइक्स होते हैं तो गाइस एक बार आ जाओ इधर, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, सब लोग आओ। अगर इस वीडियो के ऊपर 4 मिलियन लाइक्स होते हैं तो गाइस इसके 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 सब लोगों के, सभी लोगों के बाल गायब। जली ना, तेरी भी जली ना। ये बात मैंने इनको नहीं बताई थी, ठीक है। अब जो बोल दिया सो बोल दिया, वीडियो अनकट है, कोई कट नहीं है गाइस, आपके सामने है। आज है 9 नवंबर और अभी हमारे चैनल पर है 24.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, लेकिन अगर 8 दिसंबर 2022 तक हमारे चैनल पर 2 मिलियन यानी कि 26.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर देते हो आप लोग, तो गाइस मेरे जो बाल है ये हो जाएंगे साफ और मैं हो जाऊंगा गंजा, ठीक है। अगर 2 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं तो इनमें से कोई एक बंदा भी हो जाएगा गंजा, और किसको करना है वो भी नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। ये बता दो कि किसको करना है मेरे अलावा, अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है, ये तो अभी बता दो आप, उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। और अगर इस वीडियो पर 4 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं गाइस तो हमारे, मेरे और इन सभी के जो प्यारे प्यारे बाल हैं गाइस, ये सारे के सारे हो जाएंगे साफ, कुछ नहीं बचेगा गाइस। और अगर हो गए 10 मिलियन लाइक्स गाइस तो आप सभी के बाल कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। नहीं गाइस, आपके बाल जो है आप बहुत मेहनत से संभाल के रखते हैं। तो गाइस ये तो हो गई इस चैलेंज की बात, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, आप अपनी पावर अगर दिखा सकते हो तो भाई दिखा दो, आज मुझे आप अपनी पावर दिखाओ, ठीक है। बाला, 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 बाला। तो गाइस ये तो रही इस चैलेंज की बात, लेकिन अभी इस वीडियो में बहुत सारा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही मजेदार फूड टेस्ट। तो गाइस यहां पर आ चुकी हैं बहुत सारी खाने पीने की चीजें, लेकिन हमारे पास में एक एक नहीं बल्कि दो दो पीसेस हैं सब चीजों के, जैसे कि यहाँ पर 2 ये जो है माउंटेन ड्यू की बोतल है, 2 यहाँ पर कोकोला की बोतल है, 2 यहाँ पर एप्पी फिज़ हैं, 2 ड्यू हैं, 2 हाइड एंड सीक हैं, 2 लेस के चिप्स हैं, कुरकुरे के 2 तरीके के पैकेट्स हैं, 2 ओरियो हैं। ये सारी चीज 2 इसलिए हैं गाइस क्योंकि इन 2 में से एक जो फूड का पैकेट या बॉटल है वो बहुत ही पुराना है और एक्सपायर्ड है, जो बेस्ट बिफोर डेट है वो उनकी क्रॉस्ड है। तो आज हम इन सभी फूड को टेस्ट करके देखेंगे कि क्या अगर फूड काफी पुराना हो जाता है और वो पैक्ड है
तो उसका टेस्ट कैसा रहता है, वो खाने लायक रहता है या नहीं रहता। वैसे तो मैं आपको बता दूं वो खाने लायक नहीं रहता है, लेकिन हम गाइज आज ये टेस्ट करने वाले इनको खा करके खुद के रिस्क पे। आपको कहूंगा कि ये वाली चीज कोई भी ट्राई बिल्कुल मत करना। अगर किसी को अपने बाल कटवाने हैं गाइस, गंजा टकला होना है, तो आराम से हो, कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन ये चीज मत करना, क्योंकि इन्होंने वॉर्न कर दिया है कि भाई इस डेट के बाद इनको यूज मत करो। लेकिन हम सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए इन सब को आज टेस्ट करने वाले हैं। गाइस हालत देखो एक बार, ये कोका कोला की बोतल है, ये देखो भाई, मतलब इसको तो इसकी तो डेट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम गाइस 3-4 साल पुरानी या ज्यादा भी हो सकता है। ये वाली तो पैकेजिंग ही जो है अभी बदल गई है फिलहाल। देखो इसका जो रैपर है और इसके रैपर में ही काफी डिफरेंस है। इसका कलर डार्क है और इसका कलर लाइट है। सभी को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ड्यू की 2 बोतल है, यहाँ पर एक्वाफिना पानी की 2 बोतल है। क्या पानी जो है वो पुराना होने के बाद में खराब हो जाता है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वाला टेस्टिंग शुरू करते हैं। भाई 2 मुर्गे और आ जाओ टेस्ट करने वाले मेरे साथ। शुरुआत करेंगे लेस की चिप्स के साथ में। गाइज ये जो चिप्स है इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ये वाली एक्चुअली में पुरानी है, ये नई है, आप देख सकते हो। इसके अंदर जो हवा भी भरी हुई है, इसमें हवा भी नहीं है। अगर इनकी यूज़ बाय डेट की बात करें तो इसको यूज़ कर सकते हैं 13/2/2023 तक, लेकिन इसकी डेट है 3/10/2022। तो आप लोग समझ सकते हो 3/10/2022 पे ये जो है एक्सपायर्ड हो चुकी है। अभी नवंबर चल रहा है, यानी कि 11वां महीना चल रहा है और इसकी हवा भी निकली हुई है। मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ, तुम ये टेस्ट कर लो, ठीक है? तो गाइज ये मैंने इसकी भी हवा निकाल दी। ये तो है नई चिप्स, एकदम एकदम करारी, देखो एकदम कड़क आवाज़ वाली। टेस्ट देखें तो नॉर्मल है। अब इसका देखते हैं, इसकी हालत देखो, एक तो हालत कैसी हो रखी है भाई। अबे बहुत गंदी स्मेल है इसमें, बहुत गंदी स्मेल है। और देखो चिप्स भी जो है ना वो टूटी फूटी हो रखी है सारी, और ये नरम भी हो रखी है। ये चिप्स कड़क भी नहीं है, देखो इनमें वो कड़क कड़कड़ाहट नहीं है। अरे यार ये कैसे हो गया। चलो गाइस टेस्ट करते हैं इसको, इसका टेस्ट आपको बताते हैं। ले भाई बड़ी छोटी दे। अरे तो छोटी तू कर लेना, इसको ऐसे पकड़ रहा है जैसे करंट आएगा। गाइस छोटा सा टुकड़ा देखूंगा मैं तो, खा के ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा था। ये है चबा चबा। गाइस ये जो है ना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो रखी है एक्चुअली में, और इसमें टेस्ट तो जो है लगभग वैसा सा ही है। थोड़ा सा जैसे मुंह में कड़कपन नहीं आ रहा, तो अजीब लग रही है। और स्मेल इसकी खराब हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि कई दिन से, मतलब ऐसा नहीं है कि सड़ गई है ये चीज़ बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा कि बहुत पुरानी हो रखी है। ये स्मेल आ रही है इसमें, जैसे तेल बहुत पुराना हो जाता है वैसी वाली आ रही है। दूसरी चीज लाओ। गाइस यहाँ पर हमारे पास में 2 ओरियो, जो ऊपर वाला है वो है 20/4/23 तक, और जो नीचे वाला है वो है 25/9/22 तक। यानी कि जो डेट निकल चुकी है उस पर इसकी बेस्ट बिफोर डेट निकल चुकी है, उसको नहीं खोलेंगे क्योंकि सबको ओरियो का टेस्ट पता है। इसकी पैकेजिंग सही थी बाहर से, मुझे तो कुछ खास नहीं आ रहा इसमें। मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये कैसा है। इसको खाया जा सकता है गाइस, लेकिन खाना नहीं चाहिए। बट ये खराब नहीं हुआ, पिछला वाला गंदा था, ये तो ठीक है। दोस्तों इसकी एक्सपायरी है June 2022, जो कि हो चुकी है, और इसकी है March 2023, यानी कि जो कि नहीं हुई है। दोनों को खोलते हैं, ये है एक्सपायर्ड, ये है सही वाली। मेरे हाथ में जो राइट साइड में है वो है एक्सपायर्ड वाली। देखते हैं दोनों के लुक में क्या फ़र्क है। ये है हींग चना टेस्टी, और ये है गाइस नई वाली। कलर में तो मेरे को डिफरेंस इतना नहीं लगा, इसका जो मसाला है ना वो ताज़ा लग रहा है देख के हर जगह, और इसका मसाला जो है ऐसा लग रहा है कि ये इसी के ऊपर जो है इसमें घुस चुका है। चलो टेस्ट करके देखते हैं पहले सही वाली को। चना है, उसके ऊपर हींग कोटेड है, मसाला कोटेड। अब इस वाली को भी देख लेते हैं, जो कि काफ़ी पुरानी है, 1 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये नम है गाइस, इसमें नमी है, लेकिन टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टेस्ट में भी है हल्का सा। मतलब अगर दोनों को एक साथ दे दोगे तो शायद कोई बता भी ना पाए। नहीं यार अब लग रहा है मेरे को, अब लग रहा है लास्ट में आके मेरे को लगा। ये वाला एकदम क्रिस्पी था, जो कि नया वाला है। इन पुराना वाला जो है वो खाने लायक तो नहीं है। यहाँ पर है 2 पानी की बॉटल्स एक्वाफिना की, और गाइस देख के लग रहा होगा कि ये नई है ये पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली जो है इसकी जो यूज़ बाय डेट है वो है गाइस November 2021, यानी कि 1 साल पुरानी हो चुकी है, जबकि ये वाली जो है इसकी एकदम ही नई है। इसकी जो बेस्ट, जो इसकी यूज़ बाय डेट है वो है 7/2023, यानी कि July 23।
तो ये जो पानी है ये इस पानी से 1.5 साल पुराना है और पैक्ड है। तो गाइस देखते हैं दोनों का टेस्ट। पहले नए वाले एक्वाफिना का टेस्ट इसलिए करूंगा क्योंकि हर पानी का टेस्ट अलग अलग होता है। यह है नया वाला, नॉर्मल वाला। पैकिंग तो इसकी सही है, अब इसको देखते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं लगा मुझे, ये मुझे थोड़ा ज्यादा कड़वा लग रहा है बस। जैसा बिस्लेरी का टेस्ट आता है वैसा सा इसका टेस्ट लग रहा है, लेकिन कहीं से कोई स्मेल नहीं है, कोई ऐसी अजीब चीज मेरे को नहीं लगी। इसको पिया जा सकता है, ये पानी ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ये जो कुरकुरे हैं ये एकदम सही हैं, यानी कि नए हैं। ये वाले जो हैं इनकी यूज बाय डेट हो चुकी है और इसलिए आप देख सकते हो कि इनमें से कुरकुरे निकल के भी गाइस गिर चुके हैं। देखो गाइस इसकी यूज बाय डेट है अगस्त 2022, जबकि इसकी है जनवरी 2023। तो अभी गाइस जनवरी नहीं आई है, तो ये वाला तो नॉर्मल है। कर लो भाई, देख पहले ये करता हूँ। नहीं कर रहा, बस हवा निकल गई। इसमें स्मेल है जैसे पुराना हो चुका है, लेकिन कोई सड़ी हुई स्मेल तो नहीं आ रही, पुराने वाली स्मेल आ रही है। टेस्ट भी देख लेते हैं भाई इसका। खाना तो नहीं चाहिए पर आपके लिए, आपको कुछ नया दिखाने के लिए गाइस खा रहे हैं। ये उतना क्रंची नहीं है, जो मज़ा इसमें इसको चबाने में आता है, ये वाला ये इसमें नहीं है। तो भाई ये हैं दो एक ही कंपनियों के रसगुल्ले के डब्बे, एक है नया एक है पुराना। लेकिन गाइस अगर आप लोग हम सबके बाल उड़वाना चाहते हैं तो वो चीज़ भूल मत जाना, ठीक है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक महीने में, जल्दी सब्सक्राइबर जो बटन है वो दबा दो अगर आप देखना चाहते हो तो, और लाइक का बटन दबा दो। 4 मिलियन लाइक्स जो है आपके हाथ में, सब कुछ रसगुल्ले में बढ़ते हैं। गाइस दोनों की डेट्स आपको बताता हूँ पहले, और दोनों की जो पैकेजिंग है ना वो बदल गई है। पहले नीला डब्बा था, अब लाल हो गया आई थिंक। तो गाइस यहाँ पर मेरे को रेट से ही पता लग रहा है, इसकी रेट है 200 रुपये, इसकी रेट है 210 रुपये। यानी कि ये जो है नया वाला डब्बा है, बेस्ट बिफोर डेट है 14/4/2023, जबकि इसकी बेस्ट बिफोर डेट थी 22/3/2022। यानी कि ये जो है आज से गाइस लगभग 7 महीने पहले बेस्ट बिफोर क्रॉस कर चुका है। और दोनों के डब्बों के जो बॉटम है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये पुराना लग भी रहा है, और इनकी बेस्ट बिफोर डेट भी यहाँ लिखी हुई है। गाइस खुल गया भाई, मेरा तो खुल गया। ये है पुराना, ये नया देख लो आप, ये वाला जो है पीला पीला हो चुका है, ये वाला जो है नया है। ऐसा लग रहा है ये नया अंडा लग रहा है, ये जो है सड़ा हुआ अंडा लग रहा है। नया वाला रसगुल्ला है, चाशनी भी बढ़िया है, ठीक है, नॉर्मल है। ये गाइस पुराना वाला ऐसा तो नॉर्मल है, लो पुराना वाला लो एक साथ खाएंगे, इसको तो रख दे तो सबको पता है नॉर्मल है। ये भगवान क्या जुलुम है। ठीक बढ़िया गाइस देखते हैं। है? सही है भाई, टेस्ट तो इसका सही है लेकिन इसमें स्मेल आ रही है मेरे को, है इसमें स्मेल है, डेफिनेटली इसके अंदर स्मेल है, लेकिन मुंह में जाने के बाद टेस्ट एकदम नॉर्मल आ रहा है। नहीं है यार स्मेल है इसमें, डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी स्मेल है अजीब सी। अरे यार ये थोड़े टाइम बाद में समझ में आता है, जब मुंह में चला जाता है तो समझ आता है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और एक रीज़न और है शायद ये इतना ख़राब नहीं हुआ गाइस इतने टाइम में भी, कि जो चाशनी होती है ना वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है तो वो चीज़ों को ख़राब नहीं होने देती। और यहाँ पर गाइस रसगुल्ले के लिए लड़ाई हो रही है, ले लो ना, अरे लो अब बहुत सारा है। अब है गाइस शायद सबसे पुरानी हमारे पास जो चीज़ है उसकी बारी। इस कोका कोला की बोतल की हालत आप देख ही चुके हो भाई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है और ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। 750 ml की पैकेजिंग है और ये वाली तो पैकेजिंग ही 600 ml की हो गई। गाइस ये है 5 साल पुरानी, देख के लग भी रही इसका कलर ही बदल गया, ये तो ब्लैक ही नहीं है गाइस। चलो दोनों को गिलास में डालते हैं, खोलो। फिज तो है इसमें 5 साल पुरानी कोका कोला के अंदर झाग तो बन रहे हैं भाई, और नई वाली के अंदर भी जो है बन रहे हैं। थोड़ा हिलाएं दोनों को, देखते हैं, नई वाली में बन रहे हैं ज़्यादा, देखो हिलाने पे, और पुरानी वाली में बन तो रहे लेकिन कम बन रहे हैं। यार मेरे को देख के अजीब लग रहा है, इसकी स्मेल तो कोका कोला जैसी है लेकिन फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं लग रही इसकी स्मेल में। ये है भाई 5 साल पुरानी कोला, और नई वाली को डालने में भाई को जैसे झाग निकलते हैं। और आप लोग कलर में डिफरेंस देखो, पहले तो ये रेड है ये ब्लैक है, साफ साफ डिफरेंस है, लेकिन फिज दोनों के अंदर है। अब करते हैं दोनों को टेस्ट। नॉर्मल कोला है,
ये है 5 साल पुरानी कोला। अब इसमें भी स्मेल आ रही है मेरे को। गाइज इसको पीना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अलग ही लग रहा है। चलो यार अब टेस्ट तो करना पड़ेगा, एक घूंट पीऊंगा भाई, खुद के रिस्क पे पी रहा हूँ, आप मत पीना ऐसे बिल्कुल भी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं तो अंदर ही नहीं गया, खट्टा टेस्ट है, कोका कोला की स्मेल तो है, लेकिन अब इसको थूकने के बाद में अब जो है मुझे, मेरा मुंह थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन गाइस मतलब अजीब, जब इस मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम नॉर्मली पीते हैं या खाते हैं, जब उनका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है ना ऐसा, और हमको पता होता है वो इतनी पुरानी है भाई, इतना गंदा फील आता है जो कि अभी हमें आ रहा है फिलहाल। हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ। दोस्तों ये है पुराना वाला पार्ले जी, ये है नया वाला पार्ले जी। पता है मैं कैसे बताया गाइस, 10% एक्स्ट्रा में ये बड़ा है, इस पे लिखा है 11% एक्स्ट्रा, यानी कि ये तो उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं बराबर पकड़ता हूँ तो एक्स्ट्रा होने 11% एक्स्ट्रा होने के बाद में भी ये जो छोटा, यानी कि एक बिस्किट मेरे हिसाब से कम है। ये गहरा रंग है, ये हल्का रंग है। चलो पहले नया टेस्ट करते हैं, कड़क है, नॉर्मल है, पुराना थोड़ा कम कड़क है, टेस्ट तो सेम है और कोई स्मेल भी नहीं है। इसका टेस्ट सेम है और स्मेल भी नहीं है, बस कलर में डिफरेंस है, थोड़ा सा नम है हल्का सा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसको खाने से कोई बीमार पड़ेगा अभी तो, लेकिन फिर भी नहीं खाना चाहिए गाइस। गाइस यहाँ पर हमारे पास में है 2 बिस्किट के पैकेट, जो कि है पार्ले के मिलानो चॉकलेट चिप बिस्किट्स। अब आप कहेंगे दोनों तो अलग अलग है, गाइस ये अलग अलग नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है इनकी पैकेजिंग ही चेंज होगी, पहले ऐसा आता था अभी ये ऐसा आता है। आई एम श्योर कि ये दोनों सेम ही होने चाहिए, सब कुछ इन पे सेम ही है, डब्बे का साइज भी सेम है, लेकिन पैकेजिंग बहुत बदल चुकी है। इसकी जो यूज बाई डेट है, जो एक्सपायरी डेट है, वो है जून 21 और इसकी है मार्च 23, यानी कि ये वाला सही है, ये वाला पुराना है। दोनों को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। खोलो भाई, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके की कुकीज़ मिलती हैं गाइस, पैकेजिंग जो है वो भी चेंज हो चुकी है, दोनों में आप देख सकते हो डिफरेंस ये है। अब दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस देख लेते हैं, ये है नया वाला, पहले नया वाला देखते हैं, टेस्ट में भी कड़क है, मस्त है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है। अभी स्मेल आ रही है किस में, पुराने में, अभी हम नया खा रहे हैं भाई, नया वाला तो बढ़िया है, इसको खा लेते हैं फिर वो देखेंगे। तुम क्या खाए हो बीच बीच में आके, ये वाला देखो, इसको टेस्ट करो, ये तुम खाओ। ये है गाइस जो बेस्ट बिफोर डेट क्रॉस्ड है, और इसके टुकड़े हो रखे हैं इसके अंदर, देखो वन पीस में नहीं है, काफ़ी सारे पीसेस हो चुके हैं। इसका एक टुकड़ा छोटा सा ही टेस्ट करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है गाइस। कब का था ये? जून 21। जून 2021 में तो ख़त्म हो चुका था ये, और अभी चल रही है नवंबर 2022, 1.5 साल पहले एक्सपायर्ड था। अरे यार इसमें तो स्मेल है, इसमें तो स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है, ऐसा लग रहा है जैसे फेविकोल में स्मेल आती है ना, फेविकोल वाली स्मेल आ रही है इसमें सही में। चलो भाई छोटा सा टुकड़ा आपके लिए टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट में इतना गंदा नहीं है, लेकिन स्मेल में बहुत गंदा है, ऐसा लग रहा है फेविकोल जो है मुंह में भर लिया हो। गाइस यहाँ पर नीचे नीचे एक नदी बहती है, ओए अरे पानी दो, जल्दी पानी दो, जल्दी पानी दो, जल्दी पानी दो भाई, बहुत गंदा, बहुत गंदा डे। पानी भी एक्सपायर्ड है क्या, सही वाला दे दो यार, 3-4 बार खुला कर लिया अभी मेरे मुंह में, वो स्मेल और टेस्ट अलग ही है आ रहा है, मतलब गंदा सड़ा हुआ टेस्ट नहीं है, नहीं टेस्ट है, कोई केमिकल की स्मेल आ रही है, फेविकोल केमिकल ऐसी सी स्मेल आ रही है गाइस। अब इससे ज़्यादा ये हम चीज़ें नहीं खा सकते हैं, आपको दिखा चुके हैं भाई, जैसा भी था आप बिल्कुल मत खाना, और ये ध्यान रखना गाइस कि ठीक 8 दिसंबर 2022 को अगर हो जाते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो आपको पता ही है ये मेरे जो बाल है ये मेरे सर पे नहीं रहेंगे, काले काले बाल। तो सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिए, 4 मिलियन लाइक्स कर दीजिए, तो किसी के भी सर पे बाल नहीं रहेंगे गाइस, और इससे ज्यादा कर दो तो भाई आपकी मर्जी है। तो सब लोग वीडियो के लिए अब लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब मुझे पता है वैसे ही कर लोगे गाइस, अब आपको भी मेरे बाल उड़वाने हैं, मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ
या दुखी हूँ क्योंकि अगर गाइस 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे बढ़ते हैं तो खुशी है, लेकिन बाल गंवाने पड़ेंगे ये लेकिन अगर नहीं होते होंगे फैमिली जरूरी है, बाल जरूरी है। चलो गाइस जो भी है वो तो पता लगेगा 1 महीने बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। बाय यार, उम्मीद है कि सब टकले हो जाएंगे गाइस। फ्रेम में जब सारे टकले खड़े होंगे कैसे लगेंगे भाई, यहाँ पे 8 टकले खड़े होंगे, सोचो एक साथ में 8 टकले खड़े होंगे कैसे लगेंगे।